उत्तराखंड इतना खूबसूरत है ना कि अंग्रेजों की नजर ना यहाँ से भी नहीं हटी थी मेरे। और ये गाइस सक्सेसफुली हमने आग जला ली है यहाँ पे। अरे पक गई है, नीचे से पक गई। अब तो कच्चा पका तो होता ही है यार थोड़ा। गाइस मेन इंग्रेडिएंट्स चावल जाता हुआ, ये मिल गया हमें हमारा चाकू। फाइनली हम चूका विलेज पहुंच चुके हैं, ये नीचे में विलेज है। नगर पालिका को बुलाओ। तो यहाँ से चूका खत्म हो जाता है, मतलब मेन पहाड़ों के साथ इस चाय का अलग ही स्वाद है भाई। तो गाइस ये सब नज़ारे बेहद ही खतरनाक लग रहे हैं देखने में, लग रहा पहाड़ की ओर खींच रहे हैं जैसे हमें। ये जो अभी आपको टेंपल दिख रहा है ये माँ पूर्णागिरी चरण मंदिर है। तो दोस्तों ये रास्ता जाता है ये इधर पूर्णागिरी, अगर आपको जाना है तो आप ये रास्ता पकड़ोगे, और चूका जाना तो यहाँ से आप नीचे की ओर से जाओगे। यहाँ पर बहुत सारा भंडारा चलता है और इसके आगे हमें पता नहीं कुछ मिलेगा कि नहीं खाने को। तो इरफान भाई कैसा लग रहा है भाई? बहुत मज़ा आ रहा है भाई। तो अभी पार जो विलेज दिख रहा है, खेती वेती भी कर रखी लोगों ने, वो नेपाल है। गाइस वेलकम बैक अगेन टू अनदर व्लॉग। तो आज है उत्तराखंड में हमारा तीसरा दिन और आज हम जा रहे हैं लॉन्ग राइड पे टनकपुर टू चूका। तो चूका में हम करने वाले हैं बहुत सारी मस्ती, आग जलाने वाले हैं और वहां पर कुछ कुकिंग भी करने वाले हैं। तो इन सब में साथ देने वाले हैं आदर्श, हिमांशु और हमारा पूरा गैंग जो भी इधर पर आया। तो अभी हम फिलहाल सब्ज़ी लेने आए हुए हैं मार्केट में, यहाँ से सब्ज़ी लेंगे और हमारे गाड़ी वाले भैया आ रहे हैं। हमने यहाँ पे स्कूटी रेंट पे ली है, हालांकि अभी तक पूरे YouTube पे ऐसा कोई वीडियो नहीं जिस पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी टनकपुर में आपको रेंटल स्कूटी मिलती है। तो गाइस यहाँ पर हम बाकी का सामान खरीद रहे हैं जैसे कि तेल है, राइस है, ये सब। तो अभी हम शिवालय चौराहे में हैं, डुंगरिया करके एरिया का नाम है और ये शॉप है, ये हमारे भाई ओम। तो यहाँ से हम बाकी का सामान खरीद रहे हैं और ये हमारी अकाउंटेंट यहाँ पर हिसाब कराती हुई। तो गाइस ये हमारी गाड़ी और ये पीछे है हमारी बटालियन। सो गाइस हमने बाइक ले ली है और बाइक लेके हमने अपना कारवा आगे की ओर बढ़ा दिया है और हम निकल पड़े हैं चूका के लिए। तो अभी हम एक स्पॉट पर रुके हैं, लास्ट टाइम हमने यहीं पर कैंपिंग की थी, यहाँ कुछ हमने कैंप लगाया था और इस नदी से हमने मछली भी पकड़ी थी। तो ये नदी जो जा रही है शारदा नहर है और यही नहर जाके नदी जो है आगे जाके शारदा नहर बन जाती है और अपने लखनऊ में भी जाती है। तो इस नदी के उस पार जो विलेज दिख रहा है, खेती वेती भी कर रखी लोगों ने, वो नेपाल है और इधर इंडिया है। और इसी नदी का संगम भी आगे आपको मिलेगा जहाँ हम चूका जा रहे हैं। चलते हैं आगे और सफ़र का मज़ा लेंगे। अगर अपना रिवर राफ्टिंग वगैरह करना चाहते हो तो आप यहाँ आ सकते हो, ये रास्ते में ही पड़ता है पूर्णागिरी जाने वाले रास्ते में करीबन 5 किलोमीटर आने के बाद। और भूम मंदिर है ना, भूम मंदिर के जस्ट बगल में है, तो यहाँ से आप आके कैंपिंग और राफ्टिंग वगैरह भी कर सकते हो। तो इरफान भाई कैसा लग रहा है भाई? बहुत मज़ा आ रहा है भाई। तो अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ इस नदी का और एक और नदी है संगम होता है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगी। अरे वहाँ जाके क्या करने वाले हो भाई? सबसे पहली चीज़ तो वहाँ की वीडियो, सबसे पहले मम्मी लोग को वीडियो कॉल करके दिखाओ। और खाने के लिए? खाने का तो भाई ना पूछ, बड़े भाई ने बहुत अच्छा हिसाब किताब कर रखा है। तो हम वहाँ कुकिंग भी करने वाले हैं, तो ये ट्रिप काफ़ी एडवेंचरस होने वाला है। तो चलते हैं नीचे, 10 मिनट के लिए हम यहाँ पर रुके हैं, थोड़ा फ़ोटो वोटो खींचेंगे क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पर रुकते हैं। आ गया यहाँ से निकलने का और गाय के दूध के साथ, गाय का दूध पी के नई एनर्जी भर के अब हम यहाँ से कर रहे हैं अलविदा। गरकोटी नाम है मेरा और बूम राफ्टिंग करके यहाँ पर मैं एक कैंप चलाता हूँ। यहाँ पर राफ्टिंग, एंगलिंग, फिशिंग, बर्ड वॉचिंग या वाइल्ड लाइफ के लिए हम लोग सफारी के लिए यहाँ पे लेके जाते हैं। अगर आप लोगों को कुछ हो इस तरह का शौक तो आप मेरे से मिल सकते हैं। मेरा नंबर है 9720599184, होम टनकपुर। ये है पूर्णागिरी मंदिर जाने की ओर का ना पहला खुला, यहाँ पर बहुत सारा भंडारा चलता है और इसके आगे हमें पता नहीं कुछ मिलेगा कि नहीं खाने को। तो यहाँ बरेली से कुछ लोग आए हैं जो कि प्रसाद वितरण कर रहे हैं, तो
मैंने कहा लगे हाथ यार मौका ना छोड़ो, कुछ ना खा लेते हैं क्योंकि अभी कम से कम 25 किलोमीटर गाड़ी हमें और चलानी है। तो बाकी साथी बहुत ज़्यादा पीछे हैं, उनका इंतजार करते हैं, जब तक वो आएंगे तब तक हम इसे फिनिश कर देंगे। तो गाइज़ ये जो अभी आपको टेम्पल दिख रहा है ये माँ पूर्णागिरी चरण मंदिर है। तो पहले जो हमने अभी आपको दो रास्ते दिखाए थे थुलीगाड़ से चुका के लिए पकड़ा, उस रास्ते पे ही आते ही ये मंदिर मिलता है। तो पहले वो रास्ता ऊपर वाला नहीं हुआ करता था और यहीं से ही ट्रैकिंग या इधर इस रोड से ही कहीं से जाते थे। तो ऊपर चोटी पे ही माता जी का मंदिर है, तो ये दिखाना मुझे बहुत ज़रूरी लगा आपको, तो मैंने आपको दिखाया ये पूर्णागिरी का चरण मंदिर है। और पहले ना पहले जब माता जी के दर्शन करने लोग जाते थे तो यहीं से ट्रैकिंग स्टार्ट करते थे। और ये वही नदी है जो गाड़ियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे यार क्योंकि चूका पहुँचना है और थोड़ा रास्ता भैया ने बोला है ख़राब है। तो कॉन्वॉय को आगे बढ़ाते हैं और आप एक बार फिर से इस मंदिर को देख लो, अगर आप चूका जाते हो तो एक बार यहाँ ज़रूर रुकना। तो गाइस वो चोटी पे सामने पूर्णागिरी माता का मंदिर दिख रहा है। तो हालांकि मैंने अभी नहीं देखा, अभी अचानक से नज़र गई तो देखा कि अरे हाँ मंदिर तो यहीं से दिख रहा है, पूर्णागिरी माता का मंदिर यहाँ से दिख रहा है। पता नहीं मेरे कैमरे में आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा होगा तो मैं जूम करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस ये सब नज़ारे बेहद ही ख़तरनाक लग रहे हैं देखने में, तो लोग ज़्यादातर पूर्णागिरी से सीधे चले जाते हैं और इसे मिस कर देते हैं। क्या ख़तरनाक है, बाइक चलाते वक्त मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पहाड़ मेरे करीब आते जा रहे हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है पहाड़ में वो खींच रहे हैं जैसे हमें, और रोड भी थोड़ी सी टूटी फूटी ही है ना। यहाँ पर थोड़ा सा मैग्नेटिक फोर्स को मैं भी फील कर पा रहा हूँ। रूपालीगढ़ यहाँ से 40 किलोमीटर बसता है और श्रीकुंड 1 किलोमीटर। वाह क्या रोड आ रही है। फाइनली हम चूका विलेज पहुंच चुके हैं, ये नीचे में विलेज है चूका विलेज, और यहाँ एक बेहतरीन सी शॉप दिख गई थी, काफ़ी पाला वगैरह गिरा है। तो हम यहाँ पर रुक गए हैं चाय पीने के लिए, उसके बाद चलेंगे विलेज को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पर एक बिल्ली है यार खतरनाक और प्यारी, तो चलिए आपको बिल्ली से भी मिलाते हैं। हेलो सही, और इसके बाद खेल रही है देख लो। तो ये हमारे इरफान भाई, कैसा लग रहा है भाई? भाई बहुत मजा आ रही है, बड़े भाई राइडिंग करके मजा आया? अरे बहुत मजा आई, बहुत मजा आई। ये हमारे ओम भाई कुछ कहना चाहते हैं? इरफान भाई दो बार गिरते हुए बच्चे ये झूठ बोल रहे हैं कि इनको बहुत मजा आ रही है, इनकी जान इनकी हलक में एकदम। नहीं ऐसा कोई नहीं, पहली ट्रिप थी शानदार, एकदम शानदार, मजा आया, मजा आ गया, बहुत मजा आई। इमान से भाई क्या कहना चाहोगे? मजा बहुत आया, मजबूत मजा आया है भाई। हमारे पास ड्राइवर ऐसा था ना कि जान का खतरा मुझे लग रहा है, मुझे रोज ही हो रहा है। ये ज्यादातर हमारी बात कर रहे हैं, इसी चीज की बात कर रहा हूँ। ये तो दोनों के लिए भी था होता। अबे भाई कुत्ता भी खा नहीं रहा। और ये भाई कुत्ते और बिल्ली की दोस्ती है, ये देखो दोनों लोगों की दोस्ती है। और ये आदर्श भाई ने पता नहीं कौन सा परफ्यूम लगाया, घुसे जाने सारे जानवर इनके पास में, इन लोग बैठ भी गया। तो भाई यहाँ इस रोड पे अगर आप धीमे धीमे चलोगे तो आपको बहुत सारे जानवर भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये वन्य जीव अभ्यारण्य टाइप का भी पास में ही सटे हुए हैं यहाँ से। तो हमें एक हिरन दिखा था, मैं जब तक कैमरा निकालता वो भाग गया। तो ये पोस्टर भी लगा है यहाँ पे जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, और चाय पीते हैं और फिर चलते हैं हम विलेज में। तो गाइज ये हमारी चाय आ गई है, चाय देखने में कुछ खास तो नहीं लग रही है लेकिन पी के देखते हैं और बताते हैं फिर कैसा है। रामा उड़ो चाय पियो, सिप लो और बताओ कैसी लगी। नहीं है भाई बढ़िया नहीं, लेकिन नज़ारे के साथ अच्छी लग रही होगी। ये टेस्ट कैसा है? के साथ इस मौसम में इन पहाड़ों के साथ इस चाय का अलग ही स्वाद है भाई, मजा है इसमें। कोई मतलब नहीं, और ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ, गलती से भी आना जाना। ये था एकदम पॉजिटिव रिव्यू। तो यहाँ से चूका खत्म हो जाता है, मतलब यहाँ ये कह सकते हैं यहाँ से चूका स्टार्ट हो जाता है, 0 किलोमीटर चूका का साइन बोर्ड। तो अभी हम चल रहे हैं संगम की ओर, संगम क्या कह सकते हैं क्योंकि पानी का फ्लो बहुत कम है, तो एक ही नदी आती हुई दिख रही है, दूसरी वाली आती है वो तो दिख ही नहीं। तो अभी ग्रुप को लेकर चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या सीन बनता है कुकिंग का। और भैया हैं साथ में,
ये देखिए हमारे भैया खड़े हुए हैं। तो भाई इरफान को बड़ा मन हो रहा था कि अकेले कुछ एक्सप्लोर करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर आगे एक सुनसान सी जगह है, संगम है और गिनती के कुछ ट्रक हैं और आगे एसएसबी का एक कैंप है। तो हम यहाँ पर आ गए अकेले घूमने और सब कुछ जांच पड़ताल कर ली है। अब हम अपने ग्रुप को लाएंगे और यही संगम पे ही कुछ कुकिंग करेंगे। ये देख लीजिए आप लोग एक बार फिर से नज़ारा पूरा। मैं सोच रहा गाइस भैया को एक्सपायर वो कर देते हैं, ठीक है, रिटायर कर देते हैं, मैं आ जाता हूँ, ठीक है। साला गलत बोल रहा था, कैमरा भैया को ट्रांसफर कर देते हैं। तो अब यहाँ से चलते हैं यार, बहुत गर्मी हो रही है, मतलब छाँव में ठंडी, जहाँ हम रुके वहाँ बहुत पाला क्षेत्र था। और गाड़ी चलाओगे क्या? हाँ बेटा मैं ही चलाता हूँ, तुम वो अली लेके आना। ये चूका का संगम जिसे संगम कहते हैं, तो यहाँ से दो नदियाँ आके मिलती हैं, तो बेहद ही शानदार नज़ारा है, बहुत से पत्थर हैं। अभी ठंडी का मौसम है तो पानी कम आ रहा है यहाँ पर, और कुकिंग और कैंपिंग के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। चारों तरफ पहाड़ हैं और ये बीच में एक वैली है। तो सारे दोस्त हमारे यहाँ पर आ गए हैं और किसी का बना बनाया चूल्हा भी हमें यहाँ पर मिल गया, तो बस ये लकड़ी लगाएंगे और जो भी हम सामान लेकर आए उसको थोड़ा सा कुक करेंगे और चिल करेंगे, और बीच में जो भी मस्ती होती है वो सब आप देखो। और अगर आप भी प्लान बनाते हो तो यहाँ ज़रूर आओ, कोई प्रॉब्लम होती है बाइक वाइक लेने से तो हमारे जानने वाले यहाँ पर हैं। हालांकि कॉमर्शियल बाइक नहीं है, लेकिन यारी दोस्ती में मैं आपको बाइक प्रोवाइड करा दूँगा, तो संपर्क करिए और मज़े लीजिए। तो हम थोड़े से अभी मज़े लेने वाले नदी के, अपना वेपन वेपन साफ करेंगे। और देखो ये हिमांशु भाई हमारे उतर गए हैं नदी में, आप भाई मजा ले रहे हैं, पकड़ेंगे मछली और यही करेंगे। हम तो कह रहे हैं नहा लो, नहा लो, जिसको नहाना है नहा लो, इसमें भाई क्या हुआ। हमसे हो गई है बिग मिस्टेक, क्योंकि जिस बैग में नाइफ वगैरह रखा था और एक पैन भी था, वो बैग पता नहीं हमसे कहीं पर छूट गया। तो ट्राई करते हैं किसी से, यार देखते हैं पीछे लेबर वगैरह हैं जो यहाँ पर वर्कर्स हैं, उनसे पूछते हैं शायद उनके पास नाइफ हो, अगर नहीं होगा तो हम पत्थर का काट के आज आदि मानव वाला कुछ आविष्कार ज़रूर करेंगे, क्योंकि आलू वगैरह भी हमारे पास, उसको काटना भी है। तो देखते हैं क्या हो सकता है। ये मेरे दोस्त हैं जिन्हें फुर्सत नहीं मिलती, 1 लाख से ज़्यादा फ़ोटो खिंचवा चुके हैं ये, और पता नहीं, चलो ठीक है भाई देखते हैं क्या हो सकता है। तो भाई नाइफ लेने आ गए हैं, पीछे यहाँ पर कुछ काम वगैरह चल रहा है, तो ये भैया जी से हेल्प ली हमने और इनके पास नाइफ है, तो ये हमें नाइफ देंगे और हम बदले में इन्हें थैंक यू बोलेंगे, धन्यवाद भैया। तो ये मिल गया हमें हमारा चाकू, और ये हमारे इरफान भाई सब्जी धुलते हुए एकदम प्यूरीफायर वाटर में। और हमने यहाँ पर एक देसी ट्रिक भी लगाई है, ये हमारा देसी फ्रीजर, हमारी लाई हुई कोल्ड ड्रिंक इसमें मस्त ठंडे पानी में चिल हो रही है। और इधर आप देख सकते हैं छोटे छोटे टमाटर हैं, खाइए मज़ा करिए। और भाई इधर खाने पीने का कार्यक्रम चालू हो गया, महिला पार्टी ने अपना जिम्मा उठा लिया है खाना बनाने का, यहाँ पर कार्य प्रगति पे है। ये देखो ओम लॉलीपॉप चूसते हुए मटर छीलना है, वाह नहीं रही भाई ये है। और ये गाइस सक्सेसफुली हमने आग जला ली है यहाँ पे, तो ये बैठे हमारे दो बावर्ची और ये कुछ टमाटर वमाटर फ्राई कर रहे हैं, अच्छा पका रहे हैं, देख के तो लग रहा है टमाटर पक जाएगा, ग्रेवी रेवी तो बनने लगी है। थोड़ा इसमें वो डाल दो पेप्सी वेप्सी, वेरी डेंजरस। खिलाते पिलाते रहो भाई बावर्ची लोग को ना, इनकी थोड़ी सेवा करते रहो। तो गाइस कुछ ही देर में बन जाएगी हमारी तहरी, उसके बाद हम दिखाएंगे। ये आलू एक एक्स्ट्रा बच गया है, इसको हम फ्राई करेंगे, कटे आलू मटर, और ये पूरा झोला भर के खाने का सामान लाए थे हम लोग, बाकी भी सामान रखा है। गाइस मेन इंग्रेडिएंट्स चावल जाता हुआ, ये बावर्ची हट, अरे डालना, अरे एक बार डालने तो फिर मिलाना ना, नहीं अरे भारी हो जाएगा, बहुत बढ़िया बिलड़ी बावर्ची, भारी हो जाएगा ये, बस करे यार ये फुल के ऊपर निकले जाके कुल, बस करे रुको, वाह क्या स्टाइल है, इंप्रेसिव इंप्रेसिव। चलो भाई से मजा ले लेंगे, अरे डालो गिर जाएगा, गिर जाने दो, वाह हमके चाहिए नहीं, बस 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 ठीक हो। तो भाई चलो कोल्ड ड्रिंक का मजा लेते हैं, ये रुको पहले इसको फाड़ने दो मुझे, काश कि मेरे सब्सक्राइबर भी ऐसे ही चावल की तरह ओवरफ्लो हो जाएं। भाई आप लोग सब्सक्राइब करो यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है। तो गाइस ये है संगम चूका गांव में, जो कि और उधर से शारदा जिसे गोरी गंगा भी कहते हैं,
ये वो बेहतरीन संगम है जो कि मैंने बहुत से वीडियोस में देखा था। तो आप कलर से भी अनुमान लगा सकते हो जो, और जो उधर से शारदा आ रही है इसे गोरी गंगा कहते हैं, उसका कलर थोड़ा वाइट है ना, ब्लूइश टाइप का। तो ये बेहतरीन सा संगम है। उधर से कॉल आ रहा है कि बन गई है भाई हमारी तहरी, तो चल के तहरी का आनंद लेते हैं। और यही है संगम भाई साहब, एकदम बेहतरीन, मतलब इसे भारत का उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड भी इसे कहते हैं। तो अल्टीमेट जगह है, कोई भी अगर इधर से गिनती के लोग पास होते हैं इधर से, तो एक बार कोई यहाँ ज़रूर रुकते हैं। तो भाई हमारे आदर्श भाई ने कमांड संभाल ली है परोसने के लिए खाना, और ये बनी हमारी तहरी। आई होप कि ये थोड़ी स्वादिष्ट होगी, देखने में तो अच्छी लग रही है। नहीं पकी ना? अरे पक गई है, नीचे से पक गई। अब तो कच्चा पका तो होता ही है यार, थोड़ा पेट नहीं दर्द होगा, कोल्ड ड्रिंक पी लेना तुम लोग। और हम एंजॉय करने आए तहरी। चीयर्स फॉर द गुड टाइम। तो गाइज यही था हमारा आज का ब्लॉग, चूका पे आके इधर संगम पे कुकिंग वगैरह करने का। तो काफ़ी वीडियोस हमने देखी थी, तो आई होप आपको वीडियो वगैरह पसंद आया होगा। और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो में कमेंट करो, और आपको अगर आना है यहाँ पर, कोई भी प्रॉब्लम होती इधर आने से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी आ रहा है यहाँ पर, तो आप वहाँ पर भी क्वेश्चन कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो मेरी आईडी पे। तो अभी चलने का वक्त हो गया क्योंकि शाम हो रही है और आगे जंगल एरिया भी है, तो ये सब देखते हुए थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। तो ये मेरे दोस्त वगैरह हैं, एक बार फाइनल रिव्यू इनसे ले लेते हैं। भाई मज़ा आया? बहुत मज़ा आया भाई, मजबूत भाई साहब, मजबूत मज़ा आया। रैप चिक ये भी यहाँ पे आके, ये भी एक ब्लॉगर बन गई है, ये भी तब से अपना ब्लॉग बना रही है। तो मज़ा आया भाई, ये ब्लॉगर बन गई है। सब्सक्राइब तो चलो भाई अब यहाँ से चलते हैं और करते हैं चूका को बाय बाय। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। देखो नशा हो गया भाई, दूसरे की गाड़ी में चाबी लगाना हो। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए दोस्तों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक बार सब लोग चीयर्स करेंगे, 1 2 3। गाइस ये चूका जाने वाली रोड पे एक जगह पड़ती है, जगह क्या पड़ती है मतलब एक बंगला टाइप का पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी था आपको दिखाना कि, एक सेकंड हेलमेट उतार लेता हूँ यार, मतलब उत्तराखंड इतना खूबसूरत है ना कि अंग्रेज़ों की नज़र ना यहाँ से भी नहीं हटी थी। मेरे सामने एक बंगला है, ये अंग्रेज अधिकारी जो थे ना यहाँ पर आए थे तो वो इसमें रहते थे। ये काफ़ी पुराना है, मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने का है। तो मैंने कहा आपको यार दिखा देते हैं। तो ये है हमारे उत्तराखंड की खूबसूरती, ये किसी से भी नहीं बचा है। हालांकि थोड़ा अंदर में है तो वो रोड में जाते हुए दिखता नहीं है। इसके सामने वन्य अधिकारी का ऑफिस टाइप का है, तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो। आपके राइट हैंड पे पड़ेगा ये चूका जाने वाली रोड पे। तो एक बार इसका थोड़ा अच्छे से आपको वीडियो दिखा देते हैं, छूट गया था यार, तो मैंने कहा जाते वक्त में ही बना लेता हूँ। बहुत ही खूबसूरत, हालांकि शाम हो रही है और ये जंगल का एरिया है, तो ज़्यादा देर रुकना इधर ठीक नहीं है। तो अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए।